आप सभी लोगों का मेरे YT चैनल मिशन कोशिश पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो में जो आप वर्कशीट देख रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 7th माह अगस्त के लिए। चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर। वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे एक्टिविटी नंबर 3 या एक्टिविटी नंबर 3 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैं एक्टिविटी नंबर 1 और 2 की जानकारी दे चुका हूँ। चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। देखिए, आर दीज फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर सेफ टू बी ईटन, इफ नॉट और why? चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ क्या खाने योग्य हैं? अगर नहीं तो क्यों? देख पा रहे होंगे आप पिक्चर। ये क्या है, 3 पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। पहले में है ब्रेड, दूसरे में ऑरेंज और लास्ट एंड 3rd है जो वो है एप्पल। देखिए प्यारे बच्चों, पिक्चर को गौर से देखिए, इन पे कुछ लगा हुआ है, इसीलिए हम पहली नज़र में हम देख रहे हैं कि ये खाने योग्य नहीं है। दीज फूड आइटम्स नॉट ईटन, वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि इन पे क्या लगा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव होते हैं भाई। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सूक्ष्म जीव। अब इनमें कौन सा सूक्ष्म जीव लगा हुआ? सूक्ष्म जीव को हम कई भागों में या पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, ये अलग अलग क्या है, इनके टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो है इसमें फंगस, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों, फंगस को हम कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं इसे, या कहते हैं इसके कवक। ये क्या होता है, इसकी जानकारी लेते हैं। जानते हैं कि फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ब्रेड पे लगा हुआ है, ऑरेंज पे लगा है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये एप्पल पे भी, सेब पे भी लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो हमारा रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, इसमें तो हमको ये ब्रेड, बंद और क्रीम रोल, ये चीज़ें क्या करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फंगस लगता है। फंगस एक प्रकार का, देखोगे आपने ये दिखाई दे रहा है, और हम आए दिन फंगस से जूझते रहते हैं, है नहीं? आजकल बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा फंगस लगता है, हर जगह आपको फंगस देखने को मिलता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक सूक्ष्म जीव है, और जो फंगस या फंजाई के नाम से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाना जाता है, इसलिए ये क्या होता है, हार्मफुल है। यहाँ पे हमको इसे नहीं खाना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। अगले, दिस आर डिफरेंट फूड आइटम्स वी कंज्यूम डेली इन द टेबल गिवन बिलो, मेक अ लिस्ट ऑफ सम फूड आइटम्स दैट स्टे सेफ एंड
एडिबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम रोजाना अलग अलग खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। नीचे दी गई तालिका में कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए जो लंबे समय तक सुरक्षित और खाने योग्य रहते हैं। देखिए सीरियल नंबर, फूड आइटम्स खाद्य पदार्थ, टाइम स्पेंड फॉर सेफ यूज अधिक समय तक जो चल सके, उपयोग में हम उसे ला सके, इसका मतलब ये है। ओके, पहला नंबर दे रखा है सीरियल नंबर 1 पे, फ्लोर आटा। आटा क्या होता है हमारे, एक लॉन्ग ड्यूरेबल क्या होता है भाई, फूड आइटम्स होता है ना, ये कम से कम 2-3-4 महीने तक चल सकता है। दूसरा दे रखा है इसमें नट्स, ड्राई फ्रूट है एक, ये हमारा सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला एक क्या है, खाद्य पदार्थ है। इसकी जो सुरक्षित समय सीमा है 2 महीने यहाँ पे लिखा गया है, नहीं सॉरी 6 महीने, 6 months। तीसरे पे मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, पल्सेस मतलब दालें, जितने भी हमारी, चाहे अरहर हो, चना हो, मलका हो, मसूर हो, काली दाल हो, फ्रांस बीन हो, चाहे राजमा हो, जितने भी दालें होती हैं हमारी प्यारे बच्चों, इनका जो टाइम स्पेंड होता है वो होता है 6-12 months। तो आप 6 months भर सकते हैं या उससे ऊपर भी भर सकते हैं। अगला भरा है प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे राइस, चावल है ना, चावल भी हमारे 12 महीने या 12 months या उससे अबव तक टाइम स्पेंड इसका रहता है, जो सेफ है हमारे लिए और हम उसका यूज कर सकते हैं आसानी। पांचवे नंबर पे है पिकल, ये रसोई के हैं सारे, तो पिकल अचार, इसे हम 18 months या 18 महीने तक ले सकते हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेबल है और क्या है, ये सेफ है, हम यूज कर सकते हैं इसे। अगला इसमें भरा है मैंने सेमोलिना भाई, जिसे हम सूजी कहते हैं, सूजी भी क्या है, इसका टाइम स्पेन फॉर क्या है, सेफ यूज है, लॉन्ग ड्यूरेबल है, ये मान के चलो इसका जो है टाइम स्पेन है वो है 4 months। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप इस टेबल को और लंबी करना चाहो तो कर सकते हैं, इसमें आप कई और आइटम्स को, फूड आइटम्स को शामिल कर सकते हैं और लिस्ट को लंबी बना सकते हैं। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इतना आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए इसमें प्यारे बच्चों, स्पॉइल्ड क्विकली एंड आर नॉट सेफ फॉर यूज फॉर ए लॉन्गर टाइम, मेंशन देयर नेम्स एंड टाइम स्पेन इन विच दे स्टे सेफ फॉर अस। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं और लंबे समय तक खाने योग्य नहीं रहता है। आप ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो बहुत कम समय में खराब हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक टेबल बनी है, टेबल में सीरियल नंबर, क्रम संख्या, फूड आइटम्स खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ और टाइम स्पेन फॉर सेफ यूज, हम कितने समय तक उसे रख सकते हैं या कितने समय तक हम उसे खा सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है सीरियल नंबर 1 पे, फर्स्ट ऑरेंज, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ऑरेंज। ऑरेंज को हम कितने दिन तक रख सकते हैं, 2-3 days, 2-3 दिनों तक रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे दे रखा है बनाना, केला, 2-3 days इसमें लिखा है। थर्ड नंबर पे है पपाया, जिसको हम 2-3 days तक रख सकते हैं, खाने योग्य ये हो सकता है। टोमेटो, ये 1-2 days तक हम इसे रख सकते हैं। ग्रेप्स, अंगूर, इसको हम 2-3 days तक रख सकते हैं। पोमेग्रेनेट, ये अनार,
जिसे हम 4 and 5 days तक क्या रख सकते, इस सारिणी को, इस टेबल को और लंबी बना सकते हैं कि जिससे आपको जो लगता होगा कि ये फूड आइटम्स शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर ख़राब हो सकते हैं। इसमें हम और फ्रूट्स जोड़ सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, ग्वावा हो गया, और इसमें हम कुछ और जैसे ख़राब होने वाली चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि वो फ्रूट्स हो, और चीज़ें भी हो सकते हैं, हमें वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, और जैसे इसमें कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, ये चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अब इस वर्कशीट की जो एक्टिविटी नंबर 3rd है, इसे जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ, नई वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।